भारत और चीन के बीच LSC पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के सेनाओं के बीच हिंसक झड़प भी हुई। भारत सरकार ने इसके लिए चीन को दोषी ठहराया। वहीं इसी घटना के बीच सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प देखी जा सकती है। भारत चाहे जितनी भी कोशिश करे, चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता। वह हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने का नाटक तो करता है, लेकिन मौका मिलते ही भारत का हाथ मरोड़ देता है। डोकलाम, गलवान और अब तवांग इस बात के उदाहरण हैं। ये और बात है कि भारत हर बार अपनी सामरिक शक्ति और कूटनीति से चीन को जवाब तो देता है, लेकिन उसे पूरी तरह मात देने में असफल रहता है। हालांकि भारत चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए देश को कई अहम कदम उठाने होंगे। तो आइए जानते हैं उन 5 तरीकों के बारे में जिससे भारत चीन को मात दे सकता है। नंबर 1, सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। भारत से लगी तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन लगातार आधारभूत ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन इसमें और तेजी लानी होगी। यदि चीन की बात करें तो उसने पूरे सीमा क्षेत्र को सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ दिया है, लेकिन भारत इस मामले में बेहद पीछे है। नंबर 2, चीन के दुश्मन देशों से दोस्ती करना। चीन का सिर्फ भारत के साथ ही सीमा विवाद नहीं है, उसके ऐसे 17 पड़ोसी देश है जिससे कोई ना कोई क्षेत्र का विवाद चल रहा है। वियतनाम, जापान, साउथ और उत्तर कोरिया, भूटान, तिब्बत, ताइवान आदि प्रमुख हैं। इन सबसे चीन का कुछ न कुछ विवाद है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी कई ऐसे द्वीप हैं जिन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। तात्कालिक तौर पर चीन की शांति को संतुलित करने के लिए इन्हीं देशों के साथ सामरिक साझेदारी मजबूत करनी होगी, ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। नंबर 3, अमेरिका से दोस्ती पर चीन होगा परेशान। भारत जब जब अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो सबसे ज्यादा पेट दर्द चीन का ही होता है। दरअसल भारत के साथ दोस्ताना संबंध से सबसे ज्यादा नुकसान चीन को ही है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयानों में इसकी झलक दिखती रहती है। अमेरिका और चीन के बीच आपसी संबंध बहुत बेहतर नहीं है। ऐसे में चीन ये मानता है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती एशिया में उसके बढ़ते दखल में बाधक हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने की नज़र से देखता है। ऐसे में भारत के लिए चीन अगर दुश्मन बनता है तो अमेरिका सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर सकता है। नंबर 4, भारत को भी चीन की तरह बनना होगा। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को अगला चीन बनना होगा। दरअसल 1990 तक दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था तकरीबन समान थी, लेकिन उसके बाद से भारत की विकास दर पिछड़ती गई और चीन एज लेता गया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की GDP 3.1 ट्रिलियन थी, जबकि चीन की GDP 17.7 ट्रिलियन डॉलर थी। यदि चीन की अर्थव्यवस्था ना बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था 7.75% की दर से बढ़े, तब कहीं अगले 20-25 साल में भारत चीन का मुकाबला कर पाएगा। नंबर 5, भारत को चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। आयात के मामले में हम चीन पर ज्यादा निर्भर हैं, इसे कम करना होगा। खास बात यह है कि चीन भारत से कच्चा माल खरीदता है और उसे पक्का कर भारत को महंगे दाम पर बेचता है। मेक इन इंडिया को मजबूत कर हमें इसमें कमी लानी होगी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो वर्ष 2021 की पहली छमाही में भारत चीन व्यापार में 62.7% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि कोविड के पहले के दौर में वर्ष 2020 की पहली छमाही में हुए 44.72 अरब डॉलर ही थी। चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2020-2021 में चीन को 1.5 लाख करोड़ का निर्यात किया था, जबकि आयात इससे 4 गुना ज़्यादा किया। कोरोना काल में भी भारत ने सबसे ज़्यादा जहाँ से माल आयात किया उसमें नंबर 1 पर चीन ही था। इसके बाद अमेरिका और UAE का नंबर आया था।